आज मैं बताऊंगा कि मैं लखनऊ में क्यों आया हूँ और किस लिए आया हूँ। और ऑपरेशन करने की बात कर रहे हैं। 10 साल पहले आए थे। अब सर 10 साल हो गया? हाँ 10 साल पहले आए थे। गाइस एक चीज़ मुझे कहना है, ये जो सुख है ना, सुख का तो मुझे कोई आइडिया नहीं कि किधर है क्या नहीं है, पर ये जो दुख है ना, ये इंसान का साथ कभी नहीं छोड़ता है। शाम भी कोई जैसे है नदी। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू न्यू ब्लॉग। अभी सुबह के बज रहे हैं, कितना बज रहे हैं भाई? 8 बज चुके हैं सुबह के। अभी हम सब हैं लखनऊ में, जैसा आपको पता ही है। और अभी यहाँ पे बगल में बैठे दीदी, मोहन। तो यार जल्दी अभी उठे हैं, अभी हमें जाना है सीधा डायरेक्ट हॉस्पिटल, फटाफट रेडी शेडी होके। रेडी शेडी क्या, नहाना ही है बस, यहाँ पे रेडी शेडी क्या होना होता है। तो आज मैं बताऊँगा कि मैं लखनऊ में क्यों आया हूँ और किस लिए आया हूँ, किसके लिए आया हूँ, सब कुछ बताऊँगा मैं। तो पहले रेडी होते हैं, फिर उसको बता के करते हैं ब्लॉग। तो यहाँ चल रहा है मेरा ही ब्लॉग, ये मोहन देख रहे हैं। क्या बात है मोहन, अभी तक ब्लॉग मेरा पुराना नहीं देख रहे, गलत बात है। नहीं नहीं नहीं, यहाँ दीदी भी ब्लॉग देख रही है, हंसी जा रही है, हंसी जा रही है। सेलिब्रिटी वाला सीन देख ली क्या? अभी नया ब्लॉग डाला हूँ, ये देखी दीदी, ये रहा शॉर्ट के मेरा ब्लॉग आ गया। यहाँ से हमारा सिनेमा दिखता है गाइस सामने सामने, और ये पूरा बाजार एरिया है देखो। उधर चाय मिलता है, इधर छोले भटूरे, वहाँ पे भटूरे हैं, परोठे भटूरे हैं। और गाइस एक चीज़ और बताएं, अभी हम सब वहाँ से बैंगलोर से आए हैं, हमें इतना 3 महीने रहे पर कभी बेड वो नहीं मिला, बट अभी कल रात में वीडियो कॉलिंग हुआ था, सबको बेड मिला है मस्त वाला। हाँ दीदी सच में, हाँ 2 दिन का दिया, हाँ 2 ही दिन है उसका तो फाइनल हो जाएगा, पर 2 दिन का भी तो अच्छा है, हमको फुल रेस्ट तो मिलेगा अच्छे से। सोने का ही प्रॉब्लम था, वहाँ पे मैट पे सोया करते थे सारे, अभी सारे गद्दे पे सोएंगे। मैं रात में कल वीडियो कॉलिंग किया तो सबने दिखाया वीडियो कॉलिंग में, हाँ चिल्ला रहे थे कि देखते रहे, जाने के बाद ऐसा हुआ वैसा हुआ। मैं कौन सा शौक से इधर आया हूँ, मेरी भी कोई मजबूरी है तो इसलिए आया हूँ। कोई प्रॉब्लम फेस करके हम बैंगलोर से आते हैं। दीदी वो देख तेरा भाई, वो देख ये वो रहा मोहन बैठा हुआ ऊपर में, आइए रहा मैं घूम रहा हूँ। लहर लहर जैसे बह रही है, यहाँ पे चूड़ी पहनाया जा रहा है मोहन को, राखी नहीं है भाई ये, ठीक है पहली बात तो वो वाला कहानी सही होगा, चूड़ी पहन के घर में बैठ जा, घर में तो बैठा ही चूड़ी भी पहन लिया दीदी है ना। तो इसी के साथ मोहन ने पहन लिया चूड़ी और घर में बैठ गया। गाइस अभी सब नहा वहा लिया, चाय साय भी हो चुका है, और अभी जा रहे थे हॉस्पिटल के रिपोर्ट के लिए, बट क्या हुआ सडनली यहाँ पे बारिश स्टार्ट हो गया, जिसके वजह से दोनों जने का रुक गया है जाना। दो जने का इसलिए बोला क्योंकि हमारी चाची भी यहाँ पे आई हुई है। चाची हेलो करो, हेलो। हाँ तो पहले चाची के साथ मुझे जाना है। सुंदर लग रहा है, हर औरतों को पहनना चाहिए, हर औरतों को पहनना चाहिए। हाँ सही बात है, मोहन पहनना चाहिए चूड़ी पहन, मोहन पहने लेता हूँ, नाम तो नहीं नहीं रुक जा मैं ना, बैंगल्स बैंगल्स वो ब्रांड नहीं कभी पहना, आज ब्रांड पहने वाला बैंगल्स का, यहाँ पे बैंगल्स आ गए गाइस। हाँ वहाँ क्या सीन करती है, ऐसा निकाल रही है लव आएगा ही नहीं आएगा ऐसे कर भाई, ये चीज ज्यादा एक्स्ट्रा मेरे में आ गई थी, मेरे में पहना एक बार चेक करो, अगर मेरे में हुआ तो ठीक है कोई बात चेक हुआ क्या, ये तो खतरा लग रहा है गाइस, मेरे में हो रहा है ये तो, हो गया आ गया आ गया, मेरे हाथों में एक एक चूड़ियां है, ओए आ गया ना गिर कर, आ गया आ गया, दोनों को लाकर एक दूसरे से कंपटीशन कर, तेरे हाथ में नहीं आया, मेरे हाथ में नहीं आया, हाथों में पहनी ना चूड़ियां, हाथों में चूड़ियां नहीं पहन के रखी है मैंने, ठीक है चूड़ियां ही पहनी है, चूड़ियां ही पहनी है। सो गाइस अभी बारिश बंद होने के बाद हम सब आ गए हैं चाची के हॉस्पिटल में, जहाँ पे चाची का जांच कराना था। गाइस एक चीज मुझे कहना है, ये जो सुख है ना, सुख का तो मुझे कोई आइडिया नहीं है कि किधर है क्या नहीं है, पर ये जो दुख है ना, ये इंसान का साथ कभी नहीं छोड़ता है। जिंदगी में उतार चढ़ाव होते रहते हैं, हाँ दुख सुख आते रहते जाते रहते, पर नहीं सुख सुख बहुत कम आता है मेरे को जहाँ से जहाँ पे लगता है, बट ये जो दुख है ना, ये सबके लाइफ में होते हैं। हम आपको बता नहीं सकते, अभी जहाँ पे आए हुए हॉस्पिटल में उधर मरीज यार क्या बताऊँ, पूरा हॉस्पिटल भरा हुआ लग रहा, मेला लगा हुआ आया था देख के उनको। है तो मोहन, मोहन चलेगा नीचे, हाँ
हाँ मम्मी आ गई, सब नीचे आ गए। तो गए हम सब वहाँ से आने के बाद चाची का चेक कराने आने के बाद सब सो गए थे, क्योंकि आने के बाद पता लग रहा है कि एक रूम बंद है। बाकी मम्मी दीदी भैया सब चले गए थे मम्मी के हॉस्पिटल चेकअप वगैरह करने के लिए। तो आज आने वाला था रिपोर्ट, तो वो भी आ चुका है। अभी आ गए नीचे, तो नीचे चलते हैं, अभी देखते हैं क्या है रिपोर्ट में, उसके बाद बताऊँगा कि क्या है क्या नहीं है और किस लिए हम यहाँ पे आए हैं। चलो ठीक है, मैं नीचे जाता हूँ, देखता हाँ लाइट बंद कर दूँगा, देखता हूँ रिपोर्ट में क्या है और मैं बताऊँगा, और कैसा रिपोर्ट है वो भी बताऊँगा। चलो अभी नीचे। नौ बज के 41 मिनट हो रहे हैं। एक्चुअली हुआ क्या गाइस, मम्मी को देखने के लिए काफ़ी लोग आ गए थे ऐसे रिलेटिव में, तो इस वजह से मैं ब्लॉग नहीं किया। अभी रात को सीधा 10 बजे मैं ब्लॉग स्टार्ट कर दिया, क्योंकि सब अभी भी जस्ट ही गए यहाँ से। या अभी मैं मम्मी से हाय करवाता हूँ। ए रही माते खा रहे हैं सेब। मम्मी हाय, क्या खा रही है? बोल 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 सेब। तो सेब खा रही है मम्मी, सब ठीक? दीदी यहाँ पे घर पे घर से कॉल आया, बाकी लोग परेशान है, अकेले रह रहे घर पे ना, और हमसे इधर मस्ती मौज कर रहे हैं। अरे मम्मी मौज कर रहे हैं ना, मौज नहीं कर रहे? अरे बोल दे, झूठ बोलने में क्या जाता है यार। हाँ मौज कर रहे हैं। हाँ अभी आसपास मैं खाया हूँ, और यू पास पास मेरे हमेशा। तो यहाँ अभी मम्मी तुमको याद है, भूल भूल याद है, 10 साल पहले आए थे, 10 साल हो गया। हाँ 10 साल पहले आए थे। ये जो दीदी है ना, दीदी का थोड़ा सा कान का ऑपरेशन हुआ था, तो इस वजह से हम सब थे, तो 10 साल पहले आए हुए थे। तो उस टाइम जब आए थे तब मैं बहुत ही छोटा था, ऑफकोर्स छोटा ही होगा, 10 साल हो गए। तो मैं मम्मी और दीदी से हमसे बहुत घुमा करते थे। क्या था, भूल भुलैया, बहुत बड़ी बिल्डिंग थी, बिल्डिंग के बहुत बड़ी वो थी, क्या कहते हैं राजा महाराजा का जो घर होता है ना वैसा था, और उसमें भूल भुलैया ऐसा बना हुआ था कि कई सारे रास्ते थे, तो हमसे बहुत घुमा करते थे। क्या होगा मम्मी, अभी रात का खाना होगा मस्त, मम्मी का फेवरेट खाना है फ्राइड राइस, है ना मम्मी? बात करो, जो कि तुम अच्छे से निभाते हो। चलो अभी मम्मी बात करते हैं, बात थोड़ी देर बाद मिलते हैं। चलो गाइस अभी चल रहे हैं बाहर, और हम करते हैं बात अपनी कंटिन्यू, जो हमारी पेंडिंग रह गई थी। चलो आप आ जाओ, खाना खाने के बाद थोड़ा सा टहल भी लेंगे, और हमारी जो बात है वो भी क्लियर हो जाएगी। चलो गाइस मैं बताता हूँ अभी, तो मैं लखनऊ किस लिए आया हूँ, और मम्मी के साथ क्या हुआ है। क्या हुआ था, कुछ महीने पहले मम्मी ब्रश कर रही थी, तो मम्मी के ब्रश करते करते ना साइड में दांतों के साइड में उधर ब्रश लग गया, तो ज़्यादा तेज से लग गया, तो वहाँ पर कट आ गया। तो वो कट को मम्मी ने उतना ध्यान नहीं दिया, धीरे धीरे वो कट धीरे 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 ज़्यादा बढ़ गया। ज़्यादा बढ़ने के बाद तो अभी पेन वगैरह ज़्यादा हो गया था मम्मी को, तो मम्मी ने उधर काफ़ी जगह दिखाया, तो वहाँ के डॉक्टर ने, लुधियाना के डॉक्टर ने कहा कि कोई बात नहीं मेडिसिन लो ठीक हो जाएगा। बट क्या हुआ, धीरे 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 मेडिसिन लिया ठीक हुआ, पेन कम हुआ, फिर हुआ फिर हुआ, फिर धीरे धीरे फिर एक बार और लग गया लुधियाने में, ब्रश करते करते ब्रश लग गया दोबारा से। तो वो चोट था, थोड़ा सा चोट था, वो बढ़ गया, थोड़ा ज़्यादा हो गया। तो ज़्यादा होते होते तो फिर मम्मी यहाँ पे लखनऊ में, मैं जब था, मैं हम सब जब थे बैंगलोर में, तो मम्मी आई यहाँ लखनऊ में, तो यहाँ पे जब चेकअप कराया गया आज, जैसे कि आज रिपोर्ट आया, तो रिपोर्ट में ये था कि वो धीरे धीरे वो जो था ना शायद कैंसर बन गया। तो वही जब क्या कहते हैं, क्या बोला था, उसी का अभी चेकअप वगैरह चल रहे हैं, तो आज भी हुआ और कुछ अभी कल भी होंगे, शायद 3-4 दिन कंटिन्यू होगा चेकअप वगैरह, और ऑपरेशन करने की बात कर रहे हैं। तो इसीलिए हम सब यहाँ पे लखनऊ में आए हुए हैं। अब पता नहीं कितने दिन लगेंगे, कैसा क्या होगा, बस मैं यही चाहता हूँ कि जो भी हो अच्छा ही हो। अभी रात के गाइस मैं बताऊँगा रात के टाइम कितना हो रहा है, मोस्टली रात के गाइस 2 बजने वाले हैं। अभी सब लूडो वगैरह खेल रहे हैं ऊपर रूम में। तो यार इतना ही था, मैंने बता दिया, अभी मैं करूँगा कंटिन्यू ब्लॉग, जो हो रहा है मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। चलो अभी कल वाले ब्लॉग में मिलेंगे, ये वाले ब्लॉग में इतना ही। ओके पीस आउट, बाय बाय। दो बज गए भाई, सो जाओ। हाँ 2 बजने वाले। कौन रह गया, मम्मी और दीदी? बस नहीं, सब सबके पास कोई नहीं जीतेगा।